जैन आज की टॉप हेडलाइन, भारत रूस से S-400 के दो स्क्वाडन के लिए 24 कार्गो शिप सप्लाई करेगा। डीआरडीओ ने अपडेटेड अभ्यास टारगेट सिस्टम का खुलासा किया। भारत के टेडबीएफ में डीआरडीओ सेफ्रॉन के 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन होंगे। किरवाक क्लास के स्टील फ्रिगेट इंडियन नेवी में प्रवेश करने वाले लास्ट रशियन वॉरशिप है। भारत और रूस ने पेमेंट डेडलॉक को दूर करने के लिए रशियन एक्सपोर्ट सेंटर और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन के माध्यम से अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की कच्चे तेल की खरीद से अर्जित रुपए का उपयोग 24 कार्गो शिप के निर्माण के लिए करना है। यह कदम तब उठाया गया जब सतह से हवा में मार्क करने वाली S-400 मिसाइलों की दो सिस्टम की डिलीवरी में करेंसी रिलेटेड इश्यू के कारण देरी हुई है। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश एजेंसी ने 8वें एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शो में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का खुलासा किया। अभ्यास का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन 2013 में लॉन्च किया गया था और इसमें दो अंडर स्लंग बूस्टर शामिल थे, लेकिन नए कॉन्फ़िगरेशन में एक इम्प्रोवाइज रॉकेट मोटर और नए विंग स्पैन के साथ सिंगल अंडर स्लंग बूस्टर लगाए गए हैं। एडीए के अनुसार न्यू अभ्यास में पहले की तुलना में अधिक इफिशियंसी प्रदान करता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी कमांडर से कहा है कि हमास द्वारा इजराइल में 7 अक्टूबर को किए गए आतंकी हमले के बाद कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता कि क्या होगा, जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी प्लानर ने आतंकवादी हमले को एनालाइज किया और गाजा पट्टी में IDF के जमीनी हमले का अध्ययन किया और साथ ही इंडियन नेवी भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर पेट्रोलिंग करने के लिए सभी स्टेप ले रही है ताकि 2008 का हमला दोबारा ना हो। भारतीय नौसेना के लिए नामित और हाल द्वारा निर्मित किए जाने वाले टेडबीएफ प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ सेफ्रन द्वारा 110 किलो न्यूटन के हाई थ्रस्ट इंजन को शामिल किया जाएगा, जो डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक माइलस्टोन है। इसका उद्देश्य रूस द्वारा शुरू में सप्लाई किए गए 45 MiG-29 के एयरक्राफ्ट के पुराने बेड़े को बदलना है, जिससे नेवी की नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज में वृद्धि होगी। यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में दो किरवाक क्लास स्टील फ्रिगेट, जिन्हें तलवार क्लास भी कहा जाता है, इसकी डिलीवरी पर ग्रहण लगा दिया है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया के डायरेक्टर एलेक्से राखा मानव के अनुसार अब इन वॉरशिप की डिलीवरी मई और अक्टूबर तक होने की उम्मीद है। यह देरी इंडियन नेवी की अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के लिए एक और झटका है, क्योंकि भारत ने लगभग 80% वॉरशिप खरीदने के लिए कदम बढ़ाया है और इनमें से दो का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होगा। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।